बबलू नहीं, क्या गंदा ही एकदम से क्या। अरे पांडा भी आ गया, बबलू पांडा, रॉक्सी, वो झाड़े में मत जाओ यार, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है और कुछ टेंशन हो गया तो फिर वह आज आज बाहर आज बाहर आज बाहर आज। चलो बबलू तो आ गया, गजेट सबसे पहले तू ही गया, तेरे वजह से रॉक्सी और पांडा गए। पागल छोरा मत जाया करो इतनी घनी घनी झाड़ियों में, कहाँ अटक गई रॉक्सी। सॉरी बेटा अभी पंचर हो जाती तू, बड़े बड़े कांटों में अटक गई थी रॉक्सी। यहाँ घास फूस बहुत ज्यादा बड़ी है, गर्मियों में नाक के बराबर हो जाती है, मैदान पूरा का पूरा साफ हो जाता है, पूरा प्लॉट कटा हुआ है बट यहाँ पे कोई मकान बना के रह भी नहीं रहा है। तुम फिर से चले गए अंदर, अंदर मत जाओ बेटा, बारिश के यहाँ पे इतनी ज्यादा हरियाली हो गई, बट जब अब वापस गर्मी आएगी ना तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसा खुला मैदान और मेरे बच्चे और मैं आराम से भाग सकते हैं, घूम नहीं सकते आराम से भाग सकते हैं। बट मुझे फिलहाल सोसाइटी के जो रोड बनी हुई है उसके ऊपर ही बच्चों को लेके जाना पड़ता है और वहीं से लेके आना पड़ता है। ए रॉक्सी आजा बेटा, घास फूस में गायब हो जाएगी, हिप्पोपोटामस बाहर आजा, वो रहा पीछे क्लब हाउस और ये रही यहाँ पे रॉक्सी, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ अभी सोसाइटी में। चलो 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 बाहर आजा। और कालू मामा हर बार की तरह आर्मी मोड में है, उस तरफ जाके चेक कर रहा है, पहले इस तरफ चेक कर रहा था कि कोई शिकारी कुत्ता तो नहीं है, अभी उस तरफ जाके चेक कर रहा है, रास्ता क्लियर है तब भी मैं आगे जाता हूँ। मैं अकेला घूमता हूँ ना तो कालू मामा मेरे साथ में रहता है, नहीं तो वो नहीं रहता, मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए वो पहले आगे चला जाता है। वो देखो कालू वो रहा, मुझे तो लगा पास में ही है बट ये तो कुछ ज्यादा ही दूर है, हॉस्पिटल के पास में है, चेक कर रहा है आगे कोई है तो नहीं शिकारी कुत्ते, इसलिए वहाँ पर जाके पहले देख रहा है। और इस तरफ ही है मेरा घर उस गली में, ये रहे मेरे बच्चे और वो सामने कालू, अभी जूम किया था मैंने, बहुत प्यारा है मेरा कालू मामा। यहाँ हंटिंग डॉग्स बहुत ज्यादा है, शिकारी कुत्ते दिखते गली के कुत्ते जैसे ही है और वो गली के कुत्ते ही है, बट नीलगाय का शिकार करके उनके बच्चों को बड़े गंदे तरीके से मार के खाते हैं।